अरे अरे चौंके नहीं दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं बाबा रामदेव के स्टाइल में क्या कर रहा हूँ इधर। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय रखना चाहते हैं तो ये स्टाइल ही आपको वो मंजिल तक पहुंचा सकती है। दरअसल दोस्तों, आज आसनसोल के सृष्टि नगर स्थित उदेसी क्लब में प्रेनिक हीलिंग सेंटर आसनसोल और मड़वाली महिला समिति आसनसोल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पे टिंकू कपूर जी ने लोगों को स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने का तरीका बताया। दोस्तों, स्वास्थ्य ऐसी अनमोल चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है, और दुनिया की कोई भी अमीर से अमीर व्यक्ति इसे खरीद नहीं सकता, इसे सिर्फ आप अपनी मेहनत से ही पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में और सीखते हैं कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और अपने जीवन को कैसे सुखमय बना पाएं। अपने आप दिव्य शांति का एक आशीर्वाद दें। जहां निराशा है वहां आशा हो, जहां संदेह है वहां विश्वास हो। हाथों की ओर अपने सामने की छोटी पृथ्वी तक जाते हुए महसूस करें और खामोशी से मेरे बात दोहराया। मुझे अपनी शांति का एक साधन बनाए बीच बोने दो। अपने अंदर महसूस करें। Let it flow through your arms, through your hands. इस शांति को अपने सामने की पृथ्वी के साथ बांटें। Feel the peace. शांति को महसूस करें। Pardon. Allow yourself to be a channel for divine forgiveness. जहां चोट लगी हो, वहां क्षमा हो। अपने आप को दिव्य क्षमा, divine reconciliation, और एक माध्यम बनने दे। Let the earth be full and rich day. पृथ्वी को आशा और विश्वास का आशीर्वाद दे। Bless people who are having a difficult time. जो लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, उन्हें आशीर्वाद दे। Bless them with hope and with faith. और क्रम से सजग रहे और साथ ही साथ अपने सामने Shoulder.
रिवर्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह रिपोर्ट, एक दो तीन चार छः सात आठ नौ ग्यारह बारह। यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हो? ये एक्चुअली हम लोगों का प्राणिक हीलिंग का अवेयरनेस के लिए एक सेशन था, जिसमें हम लोगों ने प्राणिक हीलिंग के बारे में अवेयरनेस लाया और लोगों को प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया, और इसमें हम लोगों ने सुपर ब्रेन योगा भी सिखाया, फॉरगिवनेस सिखाया। ये प्राणिक हीलिंग है क्या? ये प्राणिक हीलिंग एक्चुअली एक स्पिरिचुअल स्कूल है, जिसके द्वारा आप अपना हीलिंग भी सीख सकते हो, अपना लाइफ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, दूसरों का लाइफ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके साथ आपका सोल का जो ग्रोथ है, कैसे करना है, भगवान के साथ कैसे कनेक्ट होना है, वो प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है। आज यहाँ पर प्रोग्राम के इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए हैं? इसमें हम लोगों के जो सेंटर ओनर हैं टिंकू कपूर थे, फिर हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं निधि नंदा, आपका नीता जलान, सुनीता बेदिया, विशाखा बेदिया सभी थे, और हम लोगों के जो महिला समिति के जो हेड है मधु डुंडेवाल, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? अच्छा है, सबको अच्छा लगा। और फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? फ्यूचर में इरादा है कि हम लोग चाहते हैं प्राणिक हीलिंग आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज हर जगह में स्प्रेड हो, और हर एक फैमिली में एक एक प्राणिक हीलर हो, ताकि वो अपना लाइफ को ठीक करे और अपने फैमिली को भी ठीक रखे। ये पैनिक की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर आप लोग चलाते हो क्या? हाँ, हम लोगों का सेंटर है अपना हिंदुस्तान पार्क में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रिया चैटर्जी। आप किस पोस्ट में हो? मैं सेंटर मैनेजर। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो? हाँ, मेरे को साल भर हो गया ट्रेनिंग लेते हुए। क्या बेनिफिट आपको दिखाई दिया? मुझे तो अंदर से भी बहुत खुशी महसूस होती है, और मेडिटेशन से तो हम लोग को तो कोई भी मतलब निगेटिवनेस नहीं रहा है अंदर में, अपने आप में खुशी महसूस इतना ज़्यादा होता है कि कोई निगेटिव थाउट ही अंदर नहीं आता है। और जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज तो यही है कि हर फैमिली में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें प्रॉब्लम इशू नहीं है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो इसमें हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैंने इसमें जुड़ने सब कुछ दिखाई देता है। इतना बेनिफिट है कि आगे आपको लगेगा कि हम ये क्लास करें आगे करते ही जाएंगे। इसमें कौन कौन सा क्लास होता है? इसमें हम लोग का है, पहले तो हम लोग का ये प्राणिक है, एडवांस है, साइको है, सोल है, फिर आगे जो बड़े बड़े क्लासेस है वो हम लोग के बाहर होते हैं। आप तो स्टूडेंट हो, जो लोग बहुत माने मायूस है उसके लिए क्या मैसेज है? ये है कि पीसफुल, अगर हैप्पी लाइफ, अगर इंजॉय लाइफ चाहिए तो प्राणिक हीलिंग से जुड़ेंगे, तो उसके बाद ही समझ में आएगा कि इसके पहले हम लोग जुड़े होते तो आज तक हम लोग इतने दुखी ना हुए होते। इसीलिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, मेरा आगे भी क्लासेस जारी ही रहेगा, तो इसमें क्लासेस बहुत अच्छी अच्छी है आगे, और बहुत कुछ जानने को, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, वो है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? टिंकू कपूर। अच्छा, वैसे हमें HS कपूर, अच्छा नाम तो HS कपूर है। अच्छा। तो सब टिंकू कपूर जानते हैं। आप क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा। हम नर्चिंग सेशन लेते हैं प्राणिक हीलिंग पर। अच्छा, प्राणिक हीलिंग है क्या? प्राणिक हीलिंग एक्चुअली क्या है, ये एक एनर्जी स्कूल है। अच्छा। यानी एनर्जी स्कूल है, जो हम बिलीव करते हैं कि हमारे फिजिकल बॉडी का अराउंड में एक एनर्जी बॉडी है जो आपके फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो जब हम ये एनर्जी बॉडी को जब हम हील करते हैं, या हम जो भी अगर उसको हील करते हैं, तो आपका फिजिकल बॉडी और आपका जो मानसिक जो बॉडी है और नेचर है, उसमें भी आपका परिवर्तन आता है। अपनी बातों को आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हो? हमारा अपना एक सेंटर है। अच्छा। यानी हिंदुस्तान पार्क में, वहाँ प्राणिक हीलिंग सेंटर करके हैं। अच्छा। तो यहाँ लोग वहाँ आके सीखते भी हैं, जो नहीं सीख सकते वो अपना हीलिंग भी करवाते हैं। तो बहुत लोगों का यहाँ पे आसनसोल में बहुत लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब लोगों को ज़रूरत बन गया हीलिंग करना? देखिए, हमारा अपना पर्सनली, जब हमारे फैमिली में प्रॉब्लम आया था, यानी मेडिकली हमारे घर में भी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था, तो उस टाइम में एक टाइम आता है जब डॉक्टर खुद कहता है भाई और कुछ नहीं हो सकता, हाँ जी, तो उस टाइम में फिर बहुत मुश्किल होता है। तब किसी ने कहा कि भाई ये आप हीलिंग करके देखो, तो हमने भी हीलिंग करवाया, उससे बहुत लाभ हुआ। हीलिंग का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कुछ ज़िंदगी में आपका एक्सपीरियंस हो? बहुत है, एक शेयर कर दो हमारे ऑडियंस के साथ। अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अब जैसे कि आपका कैंसर हीलिंग हमने किया है, यानी उसमें लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, यानी मैं बहुत मतलब को अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आप कैंसर को अगर आप डिटेक्ट होता है तो प्राणिक हीलिंग आप बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, और अगर थर्ड स्टेज में भी अगर कैंसर का अगर हीलिंग करें तो हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि पूरा ठीक हो जाए, पर डेफिनेटली उनको बहुत इम्प्रूवमेंट मिले।
यानी एक कैंसर है, आपका हार्ट ब्लॉकेज है, आपको डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, आपको रूमेटिज्म है, यानी सब आपका डिजीज में हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ा एक है कि आज हम लोग का जो रिलेशनशिप है, आज हमारे रिलेशन इमोशनल हीलिंग, ये भी हम लोग काम करते हैं, साइकोलॉजिकल हीलिंग यानी ये भी हम लोग करते हैं। जैसे मानसिक आपका प्रॉब्लम कोई है, हम लोग देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया आने के बाद दुनिया में इतनी भाग दौड़ हो गई है कि बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन से जो मौत बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या लगता है डिप्रेशन के लिए हमारा प्राणी हीलिंग बहुत बहुत ही लाभदायक है, बहुत लाभदायक। इसी आज क्या हो रहा है ना कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए, आज हम ये जो सेशन है हम अभी टाटा मोटर्स में लिए थे रिसेंटली, और भी जो कॉर्पोरेट हाउसेज में लिया, स्कूल्स कॉलेजेस में कर रहे हैं, है नहीं, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे हर एक सब जगह में प्रॉब्लम तो हेल्थ खाली नहीं है, फिजिकल हेल्थ नहीं, बहुत जगह आपको मानसिक प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, आप बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। आज कॉर्पोरेट सेक्टर में जो स्ट्रेस और टेंशन इतना है, टारगेट्स दिए जाते हैं, ये टारगेट आपको अचीव करना है, इतने दिन में अचीव करना है, नहीं तो भाई आपकी नौकरी है कि नहीं है पता नहीं, तो कितना प्रेशर में आदमी काम कर रहे हैं। आज क्या जब आपकी उम्र कम है तब तो आपको पता चलता नहीं है, जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ जाता है वो आपका आ जाता है, आपका डायबिटीज, हार्ट, ये वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, वो आपका एनर्जी बॉडी में हम लोग उसको डिलीवर करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं जितने लोग हैं सबका कुछ ना कुछ बीमारी है, उसकी वजह क्या लगता है? देखिए आजकल, देखिए हम तो बोलेंगे कि आजकल जो बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो खुद हम लोगों ने अपना क्रिएट कर लिया ना, हम लोग खुद आज का प्रेशर, आज पेरेंट्स का प्रेशर, बोलिए आप जिससे मिलो उसके पास शुगर है, ब्लड प्रेशर है, क्या लगता है यहाँ का? वही तो बोल रही है, स्ट्रेस टेंशन, आज भाग दौड़ दुनिया का। फिर दूसरा बात है, आपको खाना की क्वालिटी भी तो वैसा नहीं जो पहले मिलता था, है नहीं, आज आप फल जो हम लोग खाते थे पहले ठीक होने के लिए, आज फल में भी मिलावट होने लग गया है, आप पेस्टिसाइड देते हैं, आप क्या क्या चीज़ उसमें देते हैं, खाने में देते हैं, तो जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी आप क्वालिटी वैसा नहीं जो पहले होता था, उसके ऊपर में आपका जो अभी एटमोसफियर हो गया है इतना स्ट्रेस वाला हो गया है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन देना है, आपको टारगेट्स देना है, आदि के बिना साहब बैठे हुए यहाँ पे, इनको हम कितना बार बोलते हैं कि भाई आप, ये हमारे बहुत सीनियर प्राणी खिलर हैं, तो फुर्सत ही नहीं मिलता है इनको, है नहीं, कितना बार इनको बोलते हैं भाई, ये कभी उनको कलकत्ता जाना है, कभी कहाँ जाना है, और कभी कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कभी कहाँ से फ़ोन आ रहा है, तो अब ये जो इतना इनको जो प्रेशर है, नहीं, तो उसमें हम लोग को ये प्राणी खिलिंग बहुत हेल्प करता है। चलिए, ये सब आपका ट्रेनर क्या, ट्रेनिंग कैसे कराते हो आप लोग? हम लोग क्लास करते हैं। कितने दिनों की क्लास होती है? दो दिन का क्लास होता है। अच्छा, उसके बाद बस दो दिन क्लास करने के बाद, जैसे बेसिक क्लास है उसमें बेसिक पढ़ाते हैं हम लोग, उसका एडवांस क्लास है, एडवांस उसका, और फिर दूसरा लेवल का, एक तीसरा लेवल का। ये चार्जेबल है? सब चार्जेबल, ये चार्जेबल, क्योंकि हम लोग उसमें ना हम लोग बुक्स देते हैं, सीडीज देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, और ये इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज है, ये खाली आसनसोल का नहीं है, ये पूरा दुनिया में ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग MCKS प्राणी खिलिंग ट्रस्ट बोलते हैं। आपको भी ऑनलाइन जाएगी का वो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी बट खुद को वो सिचुएशन को डील करने का तरीका वो चेंज कर सकते हैं, और ये प्राणी खिलिंग इस चीज़ में आपको बहुत हेल्प कर सकता है कि अगर आप खुद को ऐसा बना लें कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसको डील कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाए। ये आपको देता है, ये हमारा कौन सा है? मनवाड़ी, आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति। मैडम, आसनसोल मनवाड़ी महिला समिति हम देखते बहुत एक्टिव है, आपको कब समझ में आया कि कुछ लोगों को हीलिंग टच से इंट्रोडक्शन करना चाहिए? ये इंटरनेशनल योगा डे आया, अच्छा, तब मिसेज नीता जलान जो हमारे साथ है, अच्छा, इन्होंने ही मुझे जोड़ा मिस्टर टिंकू कपूर से, अच्छा, जो प्राणिक हीलर हैं यहाँ पर, और हम लोग उसमें गए, अटेंड किए, जैसे आज अवेयरनेस हुई है वैसे मेडिटेशन उस दिन भी था। आज जो अवेयरनेस किया कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, यहाँ जो सपोर्ट सृष्टि ने, बंगाल सृष्टि ने किया अभिनय जी के थ्रू, यहाँ आयोजन कीजिए, इनका भी वैसा इंटरेस्ट रहता है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ ओडिशी में सृष्टि नगर में होनी चाहिए, तो एक सपोर्ट हमें भी मिला हुआ है कि हाँ भाई कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है वहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा। ये तो हम लोग देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें, इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो? चाहते हैं कि सभी को जुड़े, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, यही चीज़ हमें भी फील हुआ, जैसे कि जो इसके शुरुआत है मास्टर चाओ कुक्स हुई, इन्होंने जो ये शुरुआत किया इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ फैली हुई है, और ये जो हीलिंग है ये तो मतलब स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ने की चीज़ है, जिसकी आजकल कमी हो गई है, जिस कारण इतनी तरह की बीमारियां भी हो रही है, अगर स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक लोग जुड़ते हैं तो उनकी सोच भी पॉजिटिव होती है, और ये जो प्राणिक हीलिंग के माध्यम से उसी में एक पावर उनको मिलता है, एनर्जी को एक पावर। फ्यूचर में इसको लेकर आपकी संस्था द्वारा क्या? अभी फिलहाल तो हमने यही सोचा कि भाई प्राणिक हीलिंग के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए, जो भी हमारा समाज है वो अवगत होने चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि प्राणिक हीलिंग है क्या, उसका आज हमने आयोजन किया। अब इसके बाद तो चाहूँगी कि वो भी आगे इसे एक्सपीरियंस करें,
कि क्या एनर्जी होती है जो कि हमारे टिंकू कपूर जी के सेंटर पर है। कोर्सेज अवेलेबल, कई तरह के इनके कोर्स हैं, लेवल वाइज कोर्स हैं, हर कोर्स दो दो दिन के हैं, वहाँ लोग जुड़े और इसको फील करें। तो यही कहना चाहूँगी, लोग जुड़े और ये एक हीलर होते हैं, इसको तैयार, इसे कोर्स को करने के बाद हीलर तैयार होते हैं। तो जैसे हर घर में बोलते हैं डॉक्टर और हीलर होना चाहिए, तो वकील होना चाहिए, वैसे मैं चाहूँगी कि हर घर में एक हीलर भी तैयार होना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा सर, हम चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम रेगुलरली हम लोग श्रीनगर के ओडिसी क्लब में करें और भविष्य में भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं खुद प्राणिक हीलिंग से जुड़ा हूँ पिछले 3 साल से और ये एक वे ऑफ लिविंग होता है, तो आपको एक अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका पता चलता है, किस तरह से आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है जो आज की डेट में बिगड़ चुका सकता है, उसके बारे में आप खुद सोचते हो और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आते हो, काफ़ी अच्छा सहयोग करता है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने। आजकल हम लोग देखते हैं जो लोग चलते फिरते हैं मेडिसिन का दुकान हो गए, वो चल रहे तो मेडिसिन देखे चल रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आज की रेट में देखिए ज़्यादातर लोग अपना अपनी एनर्जी अपनी बॉडी को खुद नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन के ऊपर, जबकि आपकी बॉडी जो है वो खुद ही अपने आप में उसका इम्यून सिस्टम जो हर एक चीज़ से फाइट करने के लिए बना हुआ है, बट स्टिल लोग क्या मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि उनको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। हीलिंग में प्राणिक हीलिंग में हम लोग यही चीज़ सीखते हैं कि अपनी बॉडी के बारे में हम कैसे जानें, कैसे अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, कैसे हम उनसे नेगेटिव एनर्जी को दूर करें, बिकॉज सारी बीमारियां हर एक जगह से एक ना एक तरीके से नेगेटिव एनर्जीज की देन होती है, इसको हम लोग नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते हैं थ्रू द प्राणिक हीलिंग प्रोसेस। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं पहली बार जब सर के पास मैं आया था तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि प्राणिक हीलिंग है क्या चीज़। तो जब मैं प्राणिक हीलिंग पहला कोर्स किया तो मेरे को समझ में आया कि हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा जो काम करती है उस ऊर्जा को हम लोग खुद यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको अगर दुनिया भर में फैलाया जाए, दुनिया भर में विशेष करके हम लोग का जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है मिर्जापुर वगैरह, तो बहुत आदमी का बहुत डॉक्टर का पैसा बहुत बचेगा। तो डॉक्टरी सिस्टम तो आप जानते हैं कि क्या चल रहा है डॉक्टरी सिस्टम, अगर उससे आदमी को बचाना है तो मैं एकदम सीधा सीधी बोल रहा हूँ कि अगर उससे आदमी को बचाना है तो प्राणिक हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं थोड़ा लिखता उखता भी हूँ तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा अगर शायरी के अंदाज में बोला जाए तो उसमें जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है, और गजल की यही तो महारत है कि मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। तो ये जो प्राणी की लिंग एक ऐसा चीज जो मुर्दे को जिंदे में बदल सकता है, क्योंकि मैंने खुद इसको फील किया है, मैंने देखा है कई आदमी जो कि डॉक्टर के पास जा जाकर ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो अभी मैंने एकदम नया हूँ, एकदम नया बोलने से 3 महीना या 4 महीना ही मेरे को हुआ होगा, इसमें भी मैंने देखा हूँ कि 2-3 आदमी को मैंने खुद हीलिंग दिया है तो वो लोग डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बगैर वो लोग बेटर हैं मेरे से अच्छे। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्राणिक हीलिंग का जो ये है हम लोगों के यहाँ खाली नहीं, इंडिया में फैले और इस तरह से फैले कि आदमी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, यही मेरी इच्छा है और मेरी कामना है। मास्टर जी को मेरा प्रणाम, मेरे सर को भी मेरा प्रणाम, हाँ, और सबसे मेरा जो सिस्टर जो मेरे को इसमें लाई है उसको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार। इसका ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा है, मैं तो दो साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, और मैंने आने के लिए बहुत फ़ायदा लिया। ये जो आप लोगों का जो अवेयरनेस का प्रोग्राम ये लग रहा है थोड़ा धीरे चला उसमें और स्पीड होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है? अब तक कितने लोग को जोड़ पाए आपको? अच्छा, इस बार कुछ स्पीड होना चाहिए। स्पीड तो देखिए जैसे आज की जो अवेयरनेस कोर्स हुआ ना, इसमें जितने इंसान इच्छा से आए हैं तो कोई भी अगर दुकान अगर शॉप होता आप खा के आके क्या बोलते हो, अच्छा खाना हुआ तो क्या बोलते हो, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आज अच्छा लगा जो मेरे को मिला यहाँ पे फीडबैक कैसा मिला? अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, कुछ तो ये भी बोल के गई आपसे कॉन्टैक्ट करें। आज का जो प्रोग्राम आपने जो यहाँ पे किया इनमें किन लोगों का सपोर्ट था? मारवाड़ी महिला समिति का पूरा सपोर्ट था ना। अच्छा, मधु जी नहीं हेल्प करती हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। फ्यूचर में और क्या आपको इरादा है प्रोग्राम करने का? ये प्रोग्रेस करेगा।
सब आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आएगा, महिला लोग जागरूक होगी, एक एक घर में एक एक हीलर मिलेगा, तो मधु जी ने बोला। और हम लोग का मास्टर का भी सपना था कि प्यार चारों तरफ, प्यार निस्वार्थ प्यार ये फैलाना मास्टर का सपना। मास्टर का हर किताब का हर पेज में, यहाँ तक कि ट्विन हार्ट्स में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग निस्वार्थ प्यार फैलाना चाहते हैं। जो लोग आपके हीलर से जुड़ नहीं पा रहे उनके लिए क्या मैसेज? जुड़ नहीं पा रहे तो मैसेज कैसे सुनेंगे? मैसेज आप देंगे, आप जो हम पूछ रहे हैं कि जुड़ नहीं पा रहे तो आपका मैसेज भी कैसे सुनेंगे? वो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आइए जुड़िए, खुला हुआ है सेंटर। कहाँ से? तो आपका आसनसोल हिंदुस्तान पार्टी।